बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर अस्सलाम वालेकुम योर टीचर शबाना मलिक इज़ हियर वेलकम टू माय चैनल वॉच टू लीड लेट्स गेट स्टार्टेड व्हाट वी गोना डू टुडे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक्सरसाइज हम पढ़ चुके हैं सेल्फ रिलायंस का लेसन ठीक है जो मैंने आपको बताया था क्या लेसन है जो अलामा इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए बरसगीर को मुसलमानों को दिया था खुदी का पैगाम और ये सेल्फ रिलायंस का लेसन किसने लिखा है ये लेक्चर है इनफैक्ट रॉल्फ वाल्डो एमर्सन का ही वॉज एन अमेरिकन स्कॉलर एसेस्ड अ लिटरेरी फिगर ऑफ हिस पीरियड ओके इसके अंदर बेटे 6.1 की और भी एक्सरसाइजेस हैं जिसमें वर्ड मीनिंग्स भी हैं कुछ और चीज़ें भी थी वो मैंने आई थॉट इट वुड बी बेटर इफ़ वी डील ओनली question answer session and summary writing in this video because I think it will take time so it's better to deal with the rest of the questions in my next video inshallah very soon okay read the text and answer the following questions pehla question kya hai bete what makes a man great according to the author aisi kaun si cheez hai jo insaan ko azim banati hai okay in emerson's opinion a man who looks deep into his heart and mind वो आदमी जो अपने दिल के अंदर और अपने दिमाग के अंदर झांकता है एंड ब्रिंग्स आउट हिज हिडन टैलेंट अपना खुफिया जो अल्लाह ने उसके अंदर रखा है टैलेंट उसको बाहर निकालता है अपनी खूबियों का एट्रीब्यूट्स एंड बिलीव ये सारी चीज़ें अपने हिडन टैलेंट अपने एट्रीब्यूट्स और अपने बिलीव्स को बाहर लाता है अपनी ज़ात में से खोज कर इस सेल्फ रिलायंट पर्सन है ऑलराइट व्हेन ही रियलाइजेस हिज स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल and act accordingly can conquer the world ऐसा आदमी जो महसूस कर लेता है रियलाइज करता है किसको अपनी स्ट्रेंथ को और अपने पोटेंशियल को कि उसके अंदर किस कदर कुव्वत अल्लाह ताला ने भरी हुई है वो फिर उसके मुताबिक काम करता है तो वो दुनिया फतह करने की ताकत रखता है इन दिस वे ही कैन अर्न stardom stardom means fame वो मशहूर भी हो सकता है dignity हासिल करता है अजमत के आला मैयार तक पहुंचता है एंड फिनोमिनल सक्सेस वंडरफुल सक्सेस इट मींस ही कैन पोजेस ग्रेट सक्सेस फॉर हिम तो वो कामयाब होता है ये है कामयाबी का मैयार किसके नज़दीक रॉल्फ वाल्डो एमर्सन के नज़दीक ओके देन द सेकंड क्वेश्चन इज बेटे एज यू कैन सी आई हैव रिटन द मीनिंग्स ऑफ ऑल सम डिफिकल्ट वर्ड्स फॉर यू आप स्क्रीनशॉट करें इसको और फिर आप मीनिंग्स देखें otherwise I'm going to explain each and everything question number 2 is why is a self reliance important for one's development self reliance kyun important hai insaan ki zindagi mein self reliance is an integral factor in one's development ek basic element hai aapki personality ka aapki shakhsiyat ka it should be inculcated aapke andar isko implant kiya jana chahiye jaise beej bote hai na फसल को उसको पहले उसमें नरम करते हैं मिट्टी को फिर बीज बोते हैं फिर पानी देते हैं फिर पौधा बड़ा होता है तो बेटे ये जो सेल्फ रिलायंस है इसी तरह बच्चों के अंदर बचपन से ये चीज़ पैदा करने की और फिर उसको ग्रूम करने की कोशिश की जाती है इट शुड बी इनकल्केटेड एंड ऑगमेंटेड ऑगमेंटेड मीन्स उसको ऐड करना इन्हांस करना ओके ड्यूरिंग हिज और हर अर्ली ईयर्स शुरू में ही बच्चे के अंदर ये चीज़ पैदा की जानी चाहिए बाय हिज और हर टीचर्स एंड पेरेंट्स इट एनेबल्स हिम टू स्टैंड ऑन हिज ओन फीट ये क्या करती है आपको अपने पैरों पे खड़ा रखने में मदद देती है आपको एक कामयाब इंसान बनाती है ज़िंदगी के अंदर इट असिस्ट हिम ये आपकी हेल्प करती है इट असिस्ट हिम टू डिवेलप द एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग आपके अंदर अपने मसाइल से उहदा बरा होने की सलाहियत पैदा करती है और कुव्वत फैसला पैदा करती है आपके अंदर कॉन्सिक्वेंटली नतीजतन ही बिकम्स एन इनोवेटिव प्रोडक्टिव एंड सावी इंडिविजुअल उसके नतीजे में आप किस तरह के बनते हैं आप क्रिएटिव बनते हैं आपके अंदर चीज़ों को तख्लीक करने की सलाहियत पैदा होती है आप प्रोडक्टिव होते हैं माशरे के लिए मुफीद शहरी बनते हैं अपने कंट्री के लिए ऑन द होल और आप बहुत वेल अवेयर नॉलेजेबल पर्सन बनते हैं एक कामयाब इंसान आप बनते हैं किसके साथ सेल्फ रिलायंस के साथ जैसे अलामा इकबाल का शेर है ना बेटे ये वर्ड बाय वर्ड एवरी सिंगल थॉट इज़ रेलिवेंट टू हिज अलामा इकबाल्स पोइट्री उन्होंने कहा है अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन
यानी ज़िंदगी का जो सुराग है, जो ज़िंदगी की कुंजी है, वो इंसान के अंदर है। तो उसको खोजिए, उसको बाहर निकालिए, फिर अपना मकाम हासिल कीजिए दुनिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़, व्हाट इज़ अ मार्क ऑफ जीनियस? एक जीनियस होने की, एक बहुत ज़हीन और फ़तीन होने की क्या अलामत है, क्या निशानी है? अकॉर्डिंग टू एमर्सन, अ मैन हु हैज़ द एबिलिटी टू डिस्कवर हिज वर्थ एंड रिलाइज ऑन इट, वो इंसान जिसके अंदर अल्लाह ने ये सलाहियत रखी है कि वो अपनी सलाहियतों को पहचान सके, उनको डिस्कवर कर सके और फिर वो उनके मुताबिक अमल करे, इज़ डेयरिंग एनफ टू एक्सपोज हिज थाट्स पब्लिकली। वो इतना बहादुर होता है कि वो लोगों के खौफ से अपनी सोच को छुपाता नहीं है, उसकी जो भी सोच होती है, जो ओपिनियन होती है, वो उसको लोगों के सामने उसका इजहार करता है एंड स्टैंड बाय इट, और फिर उसको ओन करता है, उसके साथ डट जाता है अपनी बात पे। इट इज़ जीनियस, एमर्सन कहता है यही जीनियस है। इट हैज़ नो कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन हिज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। इस तरह का जो इंसान है, उसके ज़ाहिर और उसके बातन में कोई फ़र्क नहीं होता, जो उसके अंदर होता है वही उसके बाहर भी होता है, उसकी ज़ुबान पे भी जो दिल में है वही ज़ुबान पर है, वो मुनाफिक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर फोर इज़, व्हाट हैपेंस व्हेन अ पर्सन डजंट वैल्यू वन्स ओन क्वालिटीज़? जब आप खुद अपनी सलाहियतों पर भरोसा नहीं करते तो फिर क्या होता है? If a man does not value his own qualities, he is suppressed, dominated and instructed by the people around him. जब आप खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं करते, एतमाद नहीं करते, तो फिर आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके माशरे के लोग आपको दबा देते हैं, सप्रेस कर देते हैं आपको, और आपके आपके ऊपर वो हावी आ जाते हैं और फिर वो आपको अपने इशारों पर चलाते हैं, इंस्ट्रक्टेड आपको इंस्ट्रक्शंस देने लगते हैं। अ मैन विदाउट सब्सटेंस, जिसके अंदर कोई इल्म नहीं होता, शऊर नहीं होता, उसकी अपनी कोई ओपिनियन नहीं होती, अ मैन विदाउट सब्सटेंस, ओपिनियन एंड इंडिविजुअलिटी डाइज बिफोर हिज नेचुरल डेथ अप्रोचेस हिम। जब आपके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, विजडम नहीं है, शऊर नहीं है, आगही नहीं है, तो आपकी इनफरादियत ख़त्म हो जाती है और आप, इंसान का जीना और मरना एक जैसा है, वो अपनी तबई मौत मरने से पहले ही मर जाता है क्योंकि उसकी शख्सियत ख़त्म हो जाती है, उसका वजूद मिट जाता है। इफ़ ही सबमिट्स हिमसेल्फ टू हिज सोसाइटी, अगर वो अपने आप को लोगों के माशरे के सुपुर्द कर देता है, उनके सामने झुक जाता है, ही लूजेस हिज वर्थ, अपनी वैल्यू खो देता है। कॉन्सिक्वेंटली फिर आखिरकार अ मैन विदाउट हिज ओन विल टेंड्स टू बी enslaved by others, तो फिर इस तरह के आदमी को गुलाम बनाया जाना चाहिए और ये आसान है। और इसी के लिए बेटे अरिस्टोटल ने कहा है, अरिस्टोटल आपने सुना होगा ना, इज़ अ ग्रीक फिलोसोफर, वेरी फेमस, उसने ये कहा था कि जो लोग जहनी सलाहियतों में कमतर हैं, बट दे डू हैव द फिज़िकल विगर, दे कैन बी enslaved, लेकिन वो जिस्मानी तौर पर सेहतमंद हैं, उनको ग़ुलाम बना लेना चाहिए क्योंकि उनका अपना दिमाग तो है नहीं सोचने के लिए, तो इससे बेहतर है कि उनको ग़ुलाम बना के उनकी फ़िज़िकल विगर से फ़ायदा उठाया जाए। ये गॉट इट? और अल्लामा इकबाल भी अगेन, वो भी कहते हैं, गैरत है बड़ी चीज़ जहानी तगो दो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा। यानी गैरत आपकी खुदी, आपकी सेल्फ रिलायंस बड़ी चीज़ है जहाने तगो दो में। ये जो ज़िंदगी की कशमकश है, ज़िंदगी की जो कोशिश है, उसके अंदर आपको एक बहुत ऊंचे मकाम पे फाइज करती है। जिस तरह एग्जांपल किसकी दी है, दारा की। दारा ईरान का बादशाह था, बहुत अजीम, एक बहुत बड़ा एम्परर था वो, तो वो आपको एक दरवेश के सर पे भी दारा का ताज रखती है। बज़ाहिर देखने में वो फ़कीर सा आदमी है, लेकिन गैरत की वजह से, अपनी इज़्ज़त नफ्स की वजह से, वो एक बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाता है। यू गॉट इट? ओके, लेट्स गो अहेड देन। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाई डज़ द ऑथर एम्फसाइज ऑन डिवेलपिंग वन्स ओन इंडिविजुअलिटी? क्यों शायर ये इंडिविजुअलिटी को इतनी, आपकी इनफरादियत पे इतनी तवज्जो क्यों देता है, क्यों कहता है कि अपने आप को दूसरों से मुमताज़ करें, फ़र्क करें? अकॉर्डिंग टू एमर्सन, टू डिवेलप आर ओन इंडिविजुअलिटी इज़ असेंशियल, बहुत ज़रूरी है, असेंशियल है पैदा करना फॉर पर्सनल हैप्पीनेस। ये आपकी अपनी खुशी के लिए, आपके अपने इत्मीनान के लिए, आपकी राहत के लिए ज़रूरी है कि आप
आप दूसरों से मुमताज़ हों, दूसरों से फ़र्क होनी चाहिए आपकी शख्सियत. ट्राइंग टू हाइड और चेंज आर ओन आइडेंटिटी और विल टू फिट पीपल्स आइडियल्स डैमेजेस आर सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ कॉजिंग लोएस्ट सेल्फ इस्टीम. जब आप अपनी शख्सियत को कुचल के, नज़रअंदाज करके लोगों के रवैयों के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, उनकी पसंद के मुताबिक ख़ुद को ढालने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या होता है, आप अपनी सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ जो है अपना मकाम खो देते हैं और कॉजिंग लो सेल्फ इस्टीम. तो आपके अंदर वो जज्बा और जुनून जो इंसान के अंदर होता है एक ख़ुद मुख्तार इंसान के अंदर से, वो ख़त्म हो जाता है. ही फॉरबिड्स टू इमिटेट हु, एमर्सन, वो कहता है आपने किसी की नकल नहीं उतारनी. फॉरबिड्स आपको मना करता है नकल उतारने से. एंड कंडम्स होमोजेनिटी. होमोजेनिटी क्या होती है बेटे, यकसानियत. यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी इज़ समथिंग एल्स, आई एम सॉरी. होमोजेनिटी यकसानियत, यानी एक सेमनेस, एक जैसा लगना, हर चीज़ एक जैसी हो जाना. तो वो कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी शख्सियत को नुमाया होना चाहिए. ही स्ट्रांगली बिलीव्स टू फॉलो अदर्स ओपिनियन कंप्राइजिंग आर ओके. उसका यकीन है कि अगर आप दूसरों की ओपिनियन को फॉलो करेंगे, कॉम्प्रोमाइजिंग आर ओन ओरिजिनलिटी एंड यूनिकनेस इज़ अ सुसाइड. वो कहता है अगर आप अपनी इनफरादियत पे, अपनी शख्सियत पे, अपनी खुदी पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, समझौता करते हैं, तो आप और अपनी अपनी इनफरादियत पे, तो ये मौत है एक इंसान के लिए. इससे बेहतर है उसका मर जाना. जब वो अपने होने का एहसास, अपने वजूद का एहसास खो देता है, तो फिर नो मैटर ही लिव्स और डाइज. क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन अ पर्सन बी हैप्पी अकॉर्डिंग टू द ऑथर. ऑथर के मुताबिक हम कैसे खुश रह सकते हैं. एमर्सन स्टेट्स, वो बयान करता है, वो बताता है, अ मैन इज़ हैप्पी व्हेन ही पुट्स हिज हार्ट एंड सोल इनटू हिज वर्क. जब दिलो जान से आप कोई काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप राहत महसूस करते हैं. ही शुड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड. आपको कोई इसका मतलब बेटे है कि हर कोशिश बुरुएकार लानी चाहिए, कोई पत्थर ना छोड़ें जिसको आप मूव ना करें. मतलब हर तरह की कोशिश करनी चाहिए. वाइल कन्फ्रंटिंग द चैलेंजेस ऑफ हिज लाइफ, जब आप अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी के मसाइब से जब आप उहदा भरा हो, तो आपको अपनी हर भरपूर कोशिश करनी चाहिए. ही शुड ट्राई हिज बेस्ट रिगार्डलेस ऑफ अ विक्ट्री और डिफीट, नो मैटर आप जीतें या हारें. क्या करना है, अदरवाइज ही विल हैव टू रिग्रेट, फिर आपको पछताना पड़ेगा. अगर आप अपनी पूरी कोशिश, जान तोड़ कोशिश नहीं करते, फिर आप बाद में पछताते हैं. जैसे आप सोचते हैं ना कि आई कुड हैव डन दैट, इफ़ आई माइट हैव डन दैट, इट वुडंट हैव बीन यू नो लाइक दैट. अगर हम इस तरह कर लेते तो फिर इस तरह ना होता. दीज आर द रिग्रेट्स जो क्या करते हैं, विच हिंडर सीम टू हैव अ साउंड स्लीप. फिर आप सुकून से सो भी नहीं सकते, क्योंकि आपको पछतावा होता है, और पछतावे की आग जो है वो फिर आपको आपके सोने की राह में बहुत बड़ी रुकावट हायल करती है. जैसे किंग मार्टिन लूथर ने कहा है, आई नेवर लूज, आई इधर विन और लर्न. या तो आप, उसने कहा मैं जीत जाता हूँ या फिर मैं सीख जाता हूँ, हारता नहीं हूँ मैं कभी भी. इसलिए बेटे कोशिश हमेशा करें, चाहे वो कामयाब हो या ना हो. इंसान का काम कोशिश करना है. ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई. Alright, question number 7. What I must do is all that concerns me. जो मैं करता हूँ उस सब का ताल्लुक मेरे साथ है. Not what the people think, उसके साथ नहीं है जो लोग से सोचते हैं. Do you agree to this statement? Give reasons for your agreement or disagreement. आप agree करते हैं तो reasons दें, disagree करते हैं तो फिर भी reasons दें अपने answer के लिए. इसको बेटे आपने आप ख़ुद भी लिख सकते हो. मैं आपको सिर्फ, आई एम जस्ट कैन गिव यू द कॉन्टेंट, द वोकैबुलरी एंड आइडियाज़. अदरवाइज़ यू नीड टू फॉर्म योर ओन क्वेश्चंस. दिस वुड बी अ प्रूफ ऑफ योर सेल्फ रिलायंस. आपने सबूत देना है कि आप नकल नहीं उतारते. आपने इससे सीखना है और अपने आंसर्स खुद बनाने हैं. बिकॉज योर ओपिनियन इज़ रिक्वायर्ड. हमारी टीचर की ओपिनियन नहीं मांगी जाती. आपकी ओपिनियन में और हमारी ओपिनियन में फ़र्क होगा. आप देंगे अपनी ओपिनियन तो एग्जामिनर एकदम उसको क्लिक करेगा कि हाँ ये बच्चे की सोच है.
राइट. सो आई ऑलवेज डिस्करेज रोट लर्निंग. मुझे मैं हमेशा इसको डिस्करेज करती हूँ कि रट्टा नहीं मारना. ऑलराइट, लेट्स गो अहेड. आई स्ट्रॉन्गली अग्री विद एमर्सन व्हेन ही मोटिवेट्स अस टू मेक आवर डिसीजंस ऑल बाय आवरसेल्व्स. मैं उसके साथ इत्तफाक करता हूँ या करती हूँ जब वो हमें मोटिवेट करता है कि हमें अपने सारे फैसले खुद लेने चाहिए और ऑन द बेसिस ऑफ आवर इंट्यूशन एंड विजन. इंट्यूशन क्या है बेटे? आपके सिक्स्थ सेंस. आपको पता है ना फाइव सेंसेस होती हैं इंसान के पास, तो ये जो सिक्स्थ सेंस होती है ना ये आपको बताती है. इफ़ यू आर यू नो प्लानिंग समथिंग, योर सिक्स्थ सेंस विल इंडिकेट यू वेदर यू गोना बी रॉन्ग और राइट. ये एक किस्म की जजमेंटल पावर होती है आपके पास. सो यूज़ योर सिक्स्थ सेंस. इंट्यूशन की बेस पे आप फैसला करते हैं या फिर अपने विजन के तौर पे. कुछ लोग होते हैं दे आर यू नो वेरी फॉर साइटेड पीपल. ये फॉर साइटेड जो है इट इज़ ऑल्सो यू नो गॉड गिफ्टेड, अल्लाह की तरफ से होती है. लेकिन आप कोशिश कीजिए उसके बाद फैसला कीजिए. विजन फॉर दीज रीजन. अच्छा, इन रीजन्स की बिना पे मैं इसको अग्री करती हूँ कि इंसान को अपने फैसले खुद लेने चाहिए. अब वो रीज़न कौन कौन सी हैं? फर्स्टली, आवर लॉर्ड हैज़ बेस्टोड अस द इंस्टिंक्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन वाइस एंड वर्च्यू. अल्लाह की तरफ से जो हमारा मालिक और खालिक है उसने जब हमें बनाया तो इंसान को अता किया क्या बेटे? इंस्टिंक्ट. उसकी फितरत में ये रख दिया कि वो फ़र्क कर सकता है नेकी और बुराई में, गुड और बैड में. वी कैन मेक अ डिफरेंस. ओके, वी कैन इक्विप्ड वी आर इक्विप्ड विद जजमेंटल पावर्स. अल्लाह ने ये फैसला कुव्वत फैसला जो है वो हमारे अंदर रखी है. हम खुद इंसान को पता चल जाता है, उसका दिलो दिमाग गवाही देता है. इफ़ वी अलाउ अदर पीपल टू इंटरफेयर इन आवर लाइफ्स, अगर हम लोगों को अपनी ज़िंदगी में मुदाखलत का मौका देते हैं, विल सबमिट आवर सेल्व्स टू देम, तो हम अपना आप उनके सपुर्द कर देते हैं. सेकेंडली इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग, अगर कभी कुछ गलत भी हो जाता है, वील बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, तो हमें ज़िम्मेदार ठहरा जाता है. एज नो वन अग्रीज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर फेलियर्स, क्योंकि कोई भी इंसान फेलियर का कोई भी क्रेडिट नहीं लेता. कामयाबी का क्रेडिट लेने के लिए दुनिया भागी चली आती है. तो बेटे बेहतर है कि आप खुद डिसाइड करें, ताकि आप फिर ब्लेम गेम ना खेलते फिरें लोगों के साथ कि आपकी वजह से ये हो गया, आपकी वजह से वो कहें नहीं ये आपकी वजह से हो गया. तो इट्स बेटर टू मेक योर ओन डिसीजंस बिकॉज यू हैव टू फेस द आउटकम्स. ओके, आपने देखना है ना उसका आउटकम. ऑलराइट, इट इज़ सैड, सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स, फेलियर हैज़ नन. एग्जैक्टली, दैट्स वॉट आई मीन टू एक्सप्लेन कि जब आप कामयाब होते हैं तो हर बंदा क्लेम करता है कि ये मैंने आपको मशवरा दिया था, मैंने ऐसे कहा था. और जब फेल हो जाते हैं वो कहते हैं मैंने तो आपको पहले ही वॉर्न कर दिया था कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. सो दैट वॉज माई पॉइंट. फर्दर मोर, इवन इफ आई फेल आई विल लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स. अगर मैं फेल भी हो जाता हूँ, मैं नाकाम भी रहता हूँ, तो मैं लर्न करूँगा, मैं सीखूँगा एंड अवॉइड रिपीटिंग दैम इन फ्यूचर. और उन मिस्टेक्स को मैं दोबारा रिपीट करने से अपनी ज़िंदगी में अवॉइड करूँगा, मैं सबक सीख लूँगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस डज अ सोसाइटी अंडरगो अकॉर्डिंग टू द ऑथर. एक सोसाइटी के अंदर किस तरह की चेंजेस आती हैं? एमर्सन बिलीव्स दैट सोसाइटी इज़ नॉट स्टैग्नेंट. स्टैग्नेंट मीन्स स्टैटिक, ठहरी हुई नहीं है. माशरे के अंदर ठहराव नहीं है. चेंजेस आर इनएविटेबल. चेंजेस जो हैं वो लाजमी हैं, ज़िंदगी का हिस्सा हैं, वो आती रहती हैं. एज द टाइम पासिस, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, मैन हैज़ मेड फिनोमिनल डेवलपमेंट इन द फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इंसान ने साइंस और टेक्नोलॉजी के डोमेन में फिनोमिनल तरक्की की है. बहुत बहुत आगे चला गया है इंसान हैंड्स. उसके बावजूद द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज. ओके, सॉरी, बल्कि अब तो दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है. इंसान यानी हम बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड हो गए, क्योंकि वेज ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो सोफिस्टिकेटेडली यू नो डिवेलप हो गए हैं. टुडे लाइफ इज़ मोर ईजी, लग्जूरियस एंड कम्फर्टेबल. आज हमारी ज़िंदगी आसान है, आसाइशात से भरपूर है और बहुत आरामदेह है. मॉडर्न गैजेट्स जो हैं, जैसे स्मार्टफोन्स हैं और टेक्नोलॉजी है आपके हाथ में, मॉडर्न गैजेट्स हैव चेंज्ड आवर लाइव्स मिरेकुलसली. मुजज़ाती तौर पे हमारी ज़िंदगी को इन चीज़ों ने बदल दिया है. ऑन द कंट्रेरी, बट दिस वॉज द पॉजिटिव पिक्चर ऑफ दिस डिवेलपमेंट, साइंटिफिक एंड यू नो दिस टेक्निकल डिवेलपमेंट. नाउ इट इज़ द
इम्पैक्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट, इसका असर क्या निकला है. दिस सोफिस्टिकेशन केम अलॉन्ग विद मटीरियलिज्म. ये जो सोफिस्टिकेशन है, जो तरक्की है, ये क्या लेकर आई है साथ, मादा परस्ती लेकर आई है, मटीरियलिज्म. ओके, विच मेड आर्ट लाइव्स शैलो एंड फेक, जिसके नतीजे में हमारी जो ज़िंदगी है वो शैलो हो गई है. हम बहुत ज़्यादा नुमाइश परस्त हो गए हैं, दिखावा आ गया है हमारे अंदर. वी हैव लॉस्ट यूनिवर्सल एथिक्स ऑफ ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी. हम ये इन सारी चीज़ों से महरूम हो गए हैं जो इंसानियत के सुनहरे असूल हैं. क्या? इंसानियत, बराबरी, मुसावात जो है, और फ्रैटर्निटी मीन्स भाईचारे के जो असूल थे वो इंसानों में से ख़त्म हो गए हैं, नापैद होती जा रही है इंसानियत. आर सेडेंट्री एंड पैसिव लाइव्स, अब हमारी जो जो ज़िंदगी हैं वो बहुत पैसिव हो गई हैं, बहुत स्लगिश हो गए, आसाइश पसंद हो गए हैं, आराम पसंद हो गए हैं. तो इस चीज़ ने, आर सेडेंट्री एंड पैसिव लाइव्स मेड अस फ्रेजाइल फिज़िकली एंड हॉलो मेंटली, जिस्मानी तौर पर हमें इसने कमज़ोर कर दिया है और दिमागी तौर पर हमारे दिमाग को हॉलो कर दिया है. मतलब हमारे जहन उतने शार्प नहीं रहे, हमारी मेमोरी कमज़ोर हो गई है और हमारी ज़हनी सलाहियतें जंगालूद हो गई हैं. अकॉर्डिंग टू हिम दीज चेंजेस आर नॉट फॉर गुड बट फॉर वर्स, ये तब्दीलियां जो हैं ये अच्छी नहीं हैं, बल्कि इन तब्दीलियों की वजह से माशरा बहुत पस्ती में चला गया है, पीछे चला जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डू यू रिलेट द मैसेज ऑफ द एसे टू योर लाइफ. बेटे, इसमें मैंने आपको प्रिपेयर्ड आंसर नहीं दिया, मैंने आई एम जस्ट गोना गिव यू द पॉइंट्स. यू कैन फॉर्म योर ओन क्वेश्चंस, you know, by taking help from these points. For example, we can relate the message of self-reliance to our lives multiple times, such as बहुत दफ़ा ज़िंदगी में हम इससे help ले सकते हैं, हमारी ज़िंदगी के ऊपर ये applicable होता है. In the company of our friends having discussions, जब आप बैठे हुए होते हैं दोस्तों के साथ, आप किसी चीज़ पर discuss कर रहे होते हैं, तो एक अपनी opinion बनाइए, फिर उसको आप reasoning के साथ आप उसको ऑथेंटिक बनाइए और अपनी आवाज़ उठाइए. ओके, ड्यूरिंग द क्लास बीइंग प्रोएक्टिव एंड आस्किंग क्वेश्चंस, अपनी क्लास के अंदर आपने एक्टिव नहीं होना बल्कि प्रोएक्टिव होना है, जिसमें दूसरों को भी हेल्प आउट करना है आपने और क्वेश्चन पूछना है टीचर से, जो आपको समझना है हाथ खड़ा करें, क्वेश्चन पूछें. ऑल सेल्फ रिलायंस, डीलिंग विद आवर डे टू डे चैलेंजेस, जो ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मसाइल हैं, आपने एक्सक्यूज मी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं आ जा रहे हैं, कोई और प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो आपने वहाँ भी अपने अपनी ज़ात को इग्नोर नहीं करना, अपने ये जो डिसीजन मेकिंग पावर है, और बेटे जो मैंने ऊपर आपको वर्ड दिया था प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये सारी सेल्फ रिलायंस की वजह से आती है. तो तब आप इससे हेल्प लेते हैं, वॉलंटियरिंग फॉर कम्युनिटी सर्विसेज. ये कम्युनिटी सर्विसेज का हमारे यहाँ बदकिस्मती से इतना रिवाज नहीं है बेटे, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ये कम्युनिटी सर्विसेज जो है ना, ये बेटे ये बहुत बड़ा डोमेन है, इसके अंदर बहुत बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है ताकि उनको फ्यूचर के अंदर यूज़फुल सिटीजन ऑफ देयर कंट्री बना सकें वो. तो इसमें जब आप किसी के लिए विलिंगली आई मीन ऑफ़र करते हैं अपना काम, अपने सर्विसेज, जैसे आपके इर्द गिर्द के, आपके विसिनिटी के अंदर, इलाके के अंदर कोई बूढ़े लोग हैं, उनके पास कोई और काम करने के लिए नहीं है, यू पे द सर्विसेज टू देम, फिर पेशेंट हैं, आप उनको लुक आफ्टर करते हैं, फिर और जैसे आप फ्री ट्यूशंस देते हैं, ये सारे कम्युनिटी सर्विसेज के काम हैं. तो आप इनके अंदर भी आप तब करेंगे जब आपके अंदर सब्सटेंस होगा, सेल्फ रिलायंट होंगे, ओनली देन यू कैन ऑफर सच यू नो काइंड ऑफ यू नो हेल्प टू अदर पीपल. इन आर फेलियर बाय नॉट गिविंग अप, बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा भी होता है बेटे कि आप हर दफ़ा कामयाब नहीं होते, तो जब आप नाकाम हो तो फिर आप सोचें कि मैंने आई एम नॉट गोना सरेंडर, आई हैव टू फाइट, और यू नो एट द एंड ऑफ द डे यू विल अचीव योर टारगेट्स इंशाल्लाह. तो ये वो सारी चीज़ें थी जिनमें आप सेल्फ रिलायंस से हेल्प लेते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर. तो आपने अपना आंसर, अपना रिप्लाई खुद देना है. सॉरी, लास्ट क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंटेड इन द टेक्स्ट. बेटे, समरी जो होती है ना, इट शुड बी 1/3 ऑफ योर पैसेज, जितना भी है उसका 1/3 होनी चाहिए. और दूसरा ये कि आप जो टॉपिक सेंटेंस होते हैं ना, उसको मार्क कीजिए, हर पैराग्राफ के टॉपिक सेंटेंस के अंदर उसका की जो टॉपिक आइडिया होता है, जो उसका इंपॉर्टेंट आइडिया होता है, वो टॉपिक सेंटेंस के अंदर पहली ही लाइन में दिया गया होता है.
तो आप सिर्फ उसी को देखिए, फिर आगे उसकी एक्सप्लेनेशन होती है। जब आपने अपने समरी लिखनी है, आपने कोट्स भी छोड़ देने हैं, आपने एग्जाम्पल्स भी छोड़ देनी है, अगर कोई इडियम्स दिए हैं वो भी छोड़ देने हैं, अगर किसी चीज़ को बहुत डिटेल में बताया गया है तो आपने वो भी छोड़ देनी है। आपने क्या पकड़ना है, सिर्फ की और सेंट्रल आइडिया। ओके चलो अब देख लेते हैं कि मैंने समरी को किस तरह कंप्राइज किया है आपके लिए। फर्स्टली एमर्सन एम्फैटिकली एडवोकेट्स, यानी पुर जोर तरीके से क्या हमें बताता है, इस आइडिया ऑफ बिलीविंग इन आवर सेल्व्स, बहुत पुरजोर अंदाज में वो अपना बिलीविंग जो खुद पे यकीन है उसका आइडिया पेश करता है। ही स्ट्रॉन्गली स्टिमुलेट्स अस टू फॉर्म आवर ओन ओपिनियन, वो हमें प्रोवोक करता है, मोटिवेट करता है कि हमें अपनी ओपिनियन खुद बनानी है। रिजेक्टिंग कंटेम्प्रेरी कन्विक्शंस एंड ट्रेंड्स, ये ज़्यादातर वर्ड्स के मीनिंग्स बेटे ऊपर मैंने दे दिए हैं। कंटेम्प्रेरी मीन्स हम असर, आपके जो सोसाइटी के अंदर जो नॉर्म्स सेट किए गए हैं, जैसे बेटी को डॉक्टर ही बनाना है, उसको फाइटर पायलट नहीं बनाना, उसको बाहर नहीं भेजना हायर स्टडीज़ के लिए, उसकी शादी अपनी कास्ट में करनी है, और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो ये सारे कंटेम्प्रेरी कन्वेंशंस हैं, तो आपने इनको रिजेक्ट करते हुए अपनी ओपिनियन बनानी है और अपने फ़ायदे को देखते हुए आपने उस पर काम करना है। ये चीज़ उसने बताई है। देन वंस वी टेक अ डिसीजन वी शुड स्टैंड बाय इट लाइक अ मैन, और ये कहा है कि एक दफ़ा फैसला कर लें तो फिर पब्लिक ओपिनियन के प्रेशर के खौफ की वजह से उसे हटे नहीं, बल्कि उस पर फॉर्मली उस पर स्टैंड करें, खड़े हो जाएं, डट जाएं। सेकेंडली दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताइए, द यूज़ ऑफ ट्रांजिशन वर्ड्स, बताया था ना आपको समरी लिखते हुए इनको यूज़ करना है। ही प्रोवोक्स अस नॉट टू इमिटेट अदर्स, इंस्टेड वी शुड बी इंडिजिनस एंड इनोवेटिव, दूसरों की राय को फॉलो नहीं करना, अपनी नेचुरल, इंडिजिनस मीन्स यहाँ पे नेचुरल दूंगी मैं, आपके जो नेचुरल चीज़ है आपके अंदर उसको बाहर लाइए और इनोवेटिव क्रिएटिव बनिए, अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। वी शुड स्ट्राइव हार्ड टू अचीव आर टारगेट्स एंड गोल्स, सख्त मेहनत करें अपने गोल्स तक अचीव कर उनको हासिल करने के लिए। इवन इफ़ वी कुड नॉट सक्सीड वी शुड नॉट गिव अप, अगर आप एक दफ़ा हार भी जाते हैं तो गिव अप नहीं करना, सरेंडर नहीं करना, हार नहीं माननी। स्टैंडिंग फर्म फॉर वंस राइट गिव्स पीस टू अ पर्सन, जब आप अपने राइट के लिए खड़े हो जाते हैं और डट जाते हैं, इट गिव्स यू इनर सेटिस्फैक्शन, तो आप इंटरनली बहुत एलिवेटेड फील करते हैं, खुशी महसूस करते हैं। थर्डली क्या है, वी ऑच टू बी एबल टू डिसाइड वट इट्स गुड फॉर अस आर सेल्व्स, जो हमारे लिए बेहतर है हमें लाजमी ऑच टू, ये मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ करते हैं, यानी हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है कि हम इसी पर डट जाएँ और ख़ुद फैसला करें। वी शुड नॉट लेट अदर पीपल डिसाइड, हमें लोगों पर नहीं छोड़ना कि वो हमारे बारे में डिसाइड करते फिरें। देन फोर्थली ह्यूमन सोसाइटी इज़ नॉट स्टैगनेंट, माशरा जो है वो एक जगह ठहरा हुआ नहीं है बल्कि वो आगे बढ़ता चला जाता है। बट द चेंजेस आर Not always for good, लेकिन जो इसमें तब्दीलियाँ आ रही हैं वो हमेशा सारी की सारी अच्छी नहीं है। On one hand we are making phenomenal progress, एक तरफ तो माशरा बहुत तरक्की कर रहा है, On the other hand we are losing the golden principles of humanity, दूसरी तरफ हम इंसानियत के सुनहरी असूलों से जो हैं पीछे हटते जा रहे हैं, वो इंसानियत के सुनहरी असूल जो थे वो नापैद होते जा रहे हैं माशरे में से। मैनुअल वर्क जो हाथ से किया जाने वाला काम था हैज़ बीन रिप्लेस्ड, उसको बदल दिया गया है बाय मॉडर्न मशीन्स विच अफेक्टेड मैंस फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, तो जिसकी वजह से इंसान की जिस्मानी और जहनी सलाहियतें मुतासर हुई हैं। फिफ्थली पाँचवा पॉइंट क्या है, मॉडर्न स्लेविश बॉन्ड्स ऑफ मटीरियलिज्म एंड मशीनाइजेशन turned the society upside down, ये जो modern slavish bonds है ना, ग़ुलामी के नए तरीके जो हैं बेटे, इन्होंने हमें क्या कर दिया है, इंसान को मजबूर कर दिया है, उसको मशीनों का मोहताज बना दिया है और materialized कर दिया है, उसको मादा परस्त बना दिया है, इंसान बहुत selfish हो गया है और इसकी वजह से उसकी जो सोसाइटी है वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे अपसाइड डाउन हो गई है, यानी बिल्कुल ट्रेंड्स ही बिल्कुल चेंज हो गए हैं। We have lost universal humanitarian values of equality, hospitality, fraternity. हम इन चीज़ों से पीछे हटते जा रहे हैं, ये चीज़ें नापैद हो गई हैं माशरे में से। आपने अक्सर अपने पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को ये कहते हुए सुना होगा कि यू नो व्हेन वी वर यंग द टाइम वाज डिफरेंट, द पीपल वर यू नो मोर हेल्पफुल, दे वर मोर कर्टियस, दे वर मोर यू नो हॉस्पिटेबल, बट नाउ द थिंग्स आर डिफरेंट, सुना होगा ना, वो कहते हैं, एनालाइज करते हैं वो पुराने वक्तों के और नए वक्तों के लोगों को, तो वो कहते हैं हमारा दौर बेहतर था, वो इन्हीं वजूहात के बिना पे कहते हैं। सिक्सली
we should not compromise our self-respect, honor and dignity at any cost. हमारी अपनी जो इज्जत नफ्स है उसको और अपनी डिग्निटी को, अपने ऑनर को, अपनी इज्मत को किसी भी कीमत पे कुर्बान नहीं करना, उसका सौदा नहीं करना. अगर आपको कोई ब्राइब करता है लाइफ के अंदर, अगर आपको कोई किसी और तरह से इन्फ्लुएंस करता है, तो यू शुड स्टैंड फर्म, खड़े हो जाएं और यू नो जस्ट फॉलो द पाथ विच इज़ राइट एंड फेयर एंड जस्ट, जो सही रास्ता है उसको फॉलो करें. एमर्सन स्ट्रॉन्गली बिलीव्स दैट द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ स्प्रिंग्स फ्रॉम विद इन द मैन. जो असल ताकत का सर चश्मा है वो इंसान के अंदर से फूटता है. तो इसलिए बाहर की दुनिया से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है. व्हेन वी आर सेल्फ रिलायंट वी कैन कॉन्कर द वर्ल्ड सिंगल हैंडेडली. हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है अगर हम सेल्फ रिलायंट हैं. हम अपने सेल्फ रिलायंट होने की वजह से दुनिया फतह कर सकते हैं. दिस इज़ व्हाट इलामा इकबाल सेज इन दीज वर्ड्स. काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही. आप क्या दिल में ईमान नहीं है तो आप ढूंढते फिरेंगे शमशीर, तलवार का सहारा लेंगे आप, एटम बॉम्ब बनाने की कोशिश करेंगे आप मॉडर्न जितने भी वॉरफेयर्स हैं उनको हासिल करने की कोशिश करेंगे. लेकिन अगर आपके दिल में ईमान है तो आप जा टकराएंगे बादल की कुवतों के साथ अपने अंदर की रोशनी से, अपने ईमान की ताकत से, और आप दुनिया फतह कर लेंगे. सो दैट वॉज द एंड ऑफ दिस वीडियो. इंशाल्लाह इन माई नेक्स्ट वीडियो विल डील विद रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस ऑफ 6.1. ठीक है, टिल देन रीड केयरफुली यू नो द कॉन्टेंट विच आई हैव गिवन इन माई वीडियो. लिसन टू इट केयरफुली बेटे, मेक योर ओन नोट्स, स्टे ट्यून्ड. अल्लाह हाफिज़.